कोविड-19 के दृष्टिगत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में देर शाम समस्त SDM और तहसीलदार के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी SDM तहसीलदार को निर्देश दिए कि कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन की अवधि में अधिक संख्या में प्रवासी मजदूरों का जनपद में आगमन हो रहा है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी ने सभी SDM तहसीलदार को प्रतिदिन 5-5 ग्राम निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए तथा ग्राम में जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया यदि वो बाहर घूमते हुए मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिया कि ये भी देखें कि यदि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन है, उसके घर में जगह की कमी है तो उसको शेल्टर होम में रखें। जिलाधिकारी ने सभी SDM को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में सभी प्रवासी मजदूरों को अस्थायी राशन कार्ड बनाए जाने उसके लिए कोटेदार का सहयोग लेकर जल्द से जल्द सूची फाइनल कर लें, जिससे ये प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड बनाया जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि ग्राम राजस्व समिति के बैठक कर लें, जिससे कि ग्राम स्तर के छोटे छोटे विवादों का निपटाया जा सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों का चिन्हीकरण कर, जिससे कि उनके आधार कार्ड नहीं है या अन्य प्रदेश के रहने वाले, उनका भी राशन कार्ड बनाया जा सके।